हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अयांश मम्मा ब्लॉग। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करा करो। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो कैसा बना है, अच्छा है या नहीं है। तो कॉमेंट ज़रूर करा करो। और अयान लगे पड़े हैं, अभी देखो क्या कर रहे हो। तो टॉफी का पूरा पैकेट इन्होंने निकाल लिया है। तो ये डब्बा है, अभी मैंने ये मशीन निकाली हुई थी। तो खुशी के बाल हो रहे हैं, थोड़े से खराब हो रहे हैं इसके, तो मैंने सोचा इसके बाल सही कर दूं। तो निकाल के बैठे हुए हैं सारे। और काफी दिन से मैंने इसको लाके रखा हुआ था। और क्या है, मेरे तो बाल वैसे भी नहीं है, हल्के हैं बाल, ज्यादा है नहीं। और खुशी के बाल अच्छे हैं, घने हैं इसके, तो मैंने सोचा आज इसके बालों पर करती हूँ। मुझे ये है, हर चीज में मंगा लेती हूँ, मंगाने का शौक है लेकिन यूज करने का इतना शौक नहीं है मुझे। तो आज मैंने काफी दिन बाद इसको निकाला है। और इसके बाल काफी घने हैं। कोई टाइम ऐसा था, किसी दिन मेरे बाल भी ऐसे ही थे। इससे बाल तो सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन ये होता बालों को भी नुकसान होता है। लेकिन ये है, कभी कभार तो कर लेने चाहिए, रोज तो नहीं कोई करता है, लेकिन ये है 2-3 महीने में एक बार कर लो तो सही रहता है। अब अच्छे लग रहे हैं। इसके बाल है ना सुनहरे हैं और इसके काले होते तो और अच्छे लगते। घने हैं लेकिन काले नहीं है, घने बाल होते उसकी बात ही अलग होती है। इसको बालों का बहुत शौक है, बहुत अपने बालों का ख्याल रखती है, लेकिन इसके बाल काले नहीं हो रहे हैं, सुनहरे के सुनहरे ही है। और इसको मेकअप का बहुत शौक है, इसको रोटी मत दो ना, मेकअप करवाते रहो तो मेकअप करती रहेगी ये। नीचे से ना मुंह, दो मुंह के बाल हो रहे हैं, है ना, पीछे हो ना। इसके ना कल मैं बाल काटूंगी नीचे से, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े ही काटूंगी, थोड़े से नीचे से कट जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। ये मैंने उड़द की दाल ली थी, तो ये मैंने सुबह भिगो दी थी, तो ये 4 घंटे भींग चुकी है। तब मैंने इसको पीस लिया है, क्योंकि आज मुझे बनानी है दाल की कचौड़ी, तो आज मैं खस्ता कचौड़ी बनाऊंगी। और अभी शाम के बज चुके हैं 4, और मैं आज खाना जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि पापा जो आए हुए थे तो उनको आज घर जाना है, तो उनको निकलना है 6 बजे, तो इस वजह से आज मैं जल्दी बना रही थी। और दाल की कचौड़ी मेरे पापा को बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा चलो आज पापा की पसंद का खाना बनाती हूँ, तो वही मैं बना रही थी। और ये दाल भूनने में टाइम थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अगर दाल की कचौड़ी बनाओ ना तो सबसे ज़्यादा टाइम दाल में ही लगता है, इतना कचौड़ी बनाने में नहीं लगता है जितना दाल भूनने में लगता है। और आलू की सब्ज़ी भी मैंने साथ में बनाई थी, क्योंकि इसके साथ तो आलू की सब्ज़ी होनी चाहिए। और आज मैं आटे में नहीं बना रही थी, ये ली थी मैंने मैदा, क्योंकि खस्ता कचौड़ी तो मैदे की अच्छी लगती है, तो वही मैं बना रही थी। और इधर मैंने कुकर में चावल रख दिए थे, क्योंकि चावल तो वैसे ही मैं एक टाइम बनाती हूँ, तो मैंने दोपहर में बनाए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो अब शाम को ही बना लूँगी। तो इधर चावल भी बन गए हैं और सब्ज़ी भी रेडी हो गई है।
और ये कचौड़ी सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये मैदे की है, तो ये ऊपर से सिक जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती, तो इस वजह से इसको ना धीमी आँच पे ही सेकना पड़ता है। और अगर आटे से बनाओ तो उसमें टाइम नहीं लगता है, वो तो जल्दी सिक जाती है। तो बस सारी ये कचौड़ी मैं फ्राई कर लेती हूँ। हम लोग बैठे रहे तो टाइम का पता ही नहीं लगा कि टाइम कैसे निकल गया है। कहते नहीं है काफ़ी दिन बाद अगर पापा आते हैं ना तो बातें करते रहो तो टाइम का पता ही नहीं लगता। और हम लोग बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। और पापा को निकलना था 6 बजे, अभी टाइम हो चुका है 7:45 बज गए हैं। और इधर अयान रो रहा था क्योंकि पापा के बैग में एक पानी की बोतल डाल दी थी, तो कह रहा इसको निकाल के मुझे दे दो। तो भाई मैं निकाल ली हूँ। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा है। तो प्लीज़ कमेंट करा करो जब भी मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा वीडियो कैसा बना है। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अयांश मम्मा ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।